इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं और ऐसे टकराना हो जाता है जो काफी गुस्से में होते हैं और मतलब खुद ही में काफी गुस्से में होते हैं। उनको देख के लगता है कि आदमी दुखी भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये है कि वो दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर डाल के बैठे हुए हैं और ऐसी बात का गुस्सा वो किसी न किसी के ऊपर उतार देते हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल किया जाए, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों एक बार की एक बात है कि टैक्सी ड्राइवर जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था और काफी हंसमुख था, वो एक कस्टमर के साथ जा रहा था कहीं पे और उस जब वो जा रहा था तो एक दूसरी कार उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा सा स्क्रैच मारते हुए, टक्कर मारते हुए आगे की ओर कट मारते हुए आगे की ओर बढ़ी। और क्योंकि दोनों गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो टैक्सी ड्राइवर को पूरी स्पीड पर अपने ब्रेक लगाने पड़े। उसने अपनी गाड़ी उससे टकराने से बचा ली। पूरी गलती साइड वाले कार की थी जो उसको टक्कर मारते हुए थोड़ा सा स्क्रैच मारते हुए आगे बढ़ गई थी। अब हुआ ये कि पीछे बैठा हुआ कस्टमर तो ये सोचा था यार टैक्सी वाले की तो गलती है नहीं, पूरी गलती उसकी थी, तो ये टैक्सी वाला जाकर से भाई अब तुम्हारा पीटी करेगा या तो गाली गलौज करेगा या अपना पैसे मांगेगा। तो जबकि हुआ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि हुआ उल्टा, जिसकी गलती थी वही आके टैक्सी वाले पे गुस्सा उतार कर चला गया, उसको गाली गलौज की। और जबकि कस्टमर ने यह भी देखा कि टैक्सी वाले ने उससे माफी भी मांगी और वहां से चला गया। वो कस्टमर बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से टैक्सी वाले को देख रहा था। उसने बोला कि भाई गलती उसकी थी तो तुमने क्यों माफी मांगी? वहां टैक्सी वाले ने बोला कि साहब ऐसे लोग मुझे अक्सर मिल ही जाते हैं, ये लोग इन लोगों को लगता है कि पूरे परिवार का सबका बोझ इनके कंधों पर है और जब ये बोझ भर जाता है और ये बोझ गुस्सा बनकर बाहर निकलता है और ऐसे लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों पर निकल ही आता है। तो कोशिश तो मुझे जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं इनका शिकार बन जाता हूँ इस तरह से। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ या ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जिंदगी में मैं ऐसे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो इतने ही गुस्से में होंगे और आप और भी गुस्सा बरसाएंगे, तो ऐसे लोगों का स्वागत कीजिए और मुस्कुराते हुए निकल जाइए। दोस्तों या तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के सामने ही ना आए, और अगर आप इनका शिकार भी बनते हैं तो हंसते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इनसे बहस करना दोस्तों मूर्खों की निशानी है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आए हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इस पर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, एमआई, सौमी, सैमसंग और मीडियाटेक के या कॉलकम के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। Download mobile repairing institute. Call for admission 9644139972.